हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंजू और मेरे चैनल का नाम है बीइंग अंजू। आज मैं आप लोगों को रोमन नंबर्स के बारे में बताने आई हूं। बहुत से बच्चों को रोमन नंबर्स के बारे में बहुत दिक्कत होती है और जिसकी जानकारी मैं आज 1 to 10 ओनली हम आज 1 से 10 तक नंबर्स के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज़ में आपको इसके बारे में बताऊँगी। तो जो हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं वो है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10। ये हमारे हैं हिंदू अरेबिक, मतलब नॉर्मली जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। अब इनको हम रोमन नंबर्स में क्या होते हैं, किस तरह से इनको लिखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। जो हमारा कोई भी रोमन नंबर है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे 1 है तो वो 1 के लिए हम एज इट इज़ क्या लिखेंगे, सिंपली 1। 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 स्ट्रेट लाइंस हम ले लेंगे। 3 के लिए सिंपली 3। रोमन नंबर में एक चीज़ और होती है फ्रेंड्स कि हम किसी भी नंबर को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि 1 है, 3 टाइम्स हो सकता है, उसके बाद हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। 4 के लिए हम क्या करते हैं, 1 और वी, ये हमारा 4 कहलाता है। 5 के लिए सिंपली हम वी लिखते हैं, मतलब जब हमारा वी से पहले 1 आ गया इसका मतलब है कि ये हमारा माइनस हो रहा है। वी माइनस 1 इक्वल्स टू 4। वी का मतलब होता है 5। फिर उसमें अगर हम किसी नंबर, जैसे 6 है तो ऑब्वियसली हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, वी के जस्ट आगे हम एक 1 लिख देंगे, जिसका मतलब होता है वी प्लस 1, दैट इज़ 5 प्लस 1, जो कि होता है हमारा 6। सेम सिमिलरली हम 7 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वी 1 हो गया 6, 2 नंबर्स लगा दिए तो ये हो गया हमारा 7। 8 के लिए हम क्या करेंगे, 3, 1 लगा देंगे वी के साथ, क्योंकि 5 प्लस 3 होता हमारा 8। 9 से पहले मैं आपको 10 बताना चाहती हूँ। 10 होता है हमारा एक्स, 10 होता है हमारा एक्स। जब एक्स और 9 लिखना है तो ऑब्वियसली 10 में से हम -1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9। और माइनस के लिए हम हर चीज़ को 1 को हमेशा जो मेन नंबर होता है उससे पहले लगाते हैं तो वो 9 बन जाता है। इस तरह से हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। इसी तरह से हम हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में लिखते हैं। ये सारे हमारे हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं और ये हमारे सारे रोमन नंबर्स हैं। आई होप आपको मेरे जो भी मैंने आपको समझाया है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके उसके बारे में पूछ सकते हैं। सिंपली नेक्स्ट हम 10 to 20 के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।